नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली नेशन में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पीओके को लेकर, क्योंकि भारतीय सेना ने ऐसी रणनीति बनाई कि पाकिस्तान के चीथड़े उड़ गए। पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन में है कि चीन को सबक सिखाया जाए, लेकिन चीन को सबक के साथ साथ पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना जल्द ही पीओके को अपने कब्जे में लेने वाली है। ये सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर है, हम आपको पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएंगे। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि सेना की खबरें राजनीति नहीं होती। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में इसे पॉलिटिक्स से जोड़कर कमेंट करना शुरू कर देंगे। मैं उनसे पहले कहता रहा हूं कि सेना की खबरें पॉलिटिक्स नहीं होती। हम विजय हासिल किए थे और विजय हासिल करेंगे, भारतीय सेना की यही सोच होती है। क्योंकि इस बार भारतीय सेना के हाथ खुले हैं और उन खुले हाथों में कहीं ना कहीं बंदूक है, बम है, हथियार हैं, तोप हैं, टैंक हैं, यानी कि सारी जो कह सकते हैं कि कवच है, जिसे हम कवच कह सकते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करती हैं, जो हथियार, उन सब हथियारों से भारतीय सेना लैस है। और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने में महज कुछ ही दिनों की दूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका भी ठोंकने का पूरा विचार बना रहा है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को ठोंकने का विचार बना रहा तो एक तरफ भारत, इसीलिए दोनों देश की सेनाएं मिलकर अब पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकवाद को तबाह करना चाहती हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाई थी, जिसमें CIA चीफ यानी अमेरिका की फौज कुछ दिन बाद अफगानिस्तान से जाने वाली है। उसके पहले ही CIA चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था और ISI प्रमुख से उन्होंने बात की थी, मुलाकात की थी। उसके बाद कई नेता मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद CIA ये काम करना चाहती है कि वो जो अलकायदा के आतंकी हैं उनको तबाह करना चाहता है, और भारत भी इधर से ये प्लान बना रहा कि जैसे अमेरिका अलकायदा पर हमला करेगा वैसे ही हम पीओके में हमला करना शुरू कर देंगे। हमारे हमले से पाकिस्तानी सैनिकों को मोर्चा छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ वो कवर करने जाएंगे, अपने आतंकियों को बचाने में कवर करेंगे पाकिस्तानी सेना, और जब अमेरिका ठोंकेगा तो शायद पीओके में जो इस समय पाकिस्तान की सेना तैनात है वो सेना थोड़ा अलग हटेगी, यानी कि कवर देने के लिए जाएगी आतंकियों को, और इसी बीच भारतीय सेना कब्जा कर लेगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, बाकी क्या रणनीति बनती है, कैसे फैसले लिए जाते हैं, कैसे विचार बनते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पीओके हमारा है और हम लेकर रहेंगे। बार बार हम ये कहते हैं कि पीओके हमारा हमारा लेकर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जल्द ही पीओके शामिल होने वाला है भारत में, क्योंकि पीओके में भी आज़ादी की मांग उठ गई है। कुछ अराजक तत्व तो भारत में बैठे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में, यानी मैं पीओके की बात कर रहा हूँ, पीओके के लोग भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं और वो लोग भारत आना चाहते हैं। वो लोग कई बार कह चुके हैं कि हमें भारत में शामिल कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पर बैठे कुछ नक्कारों मक्कारों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो पाकिस्तान के ही हैं, उन्हें पाकिस्तान से पैसा आया है, उन्हें पाकिस्तान के भारत के खिलाफ बोलने के लिए पैसा दिया जाता है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग उनकी बातों में कभी ना आए, और जो लोग उनकी बातों में आकर भारतीय सेना पर सवाल खड़ा करने लगते हैं, भारतीय सेना को रेपिस्ट, भारतीय सेना को गंदी गंदी गाली देने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जवानों का भी मनोबल टूटता है, क्योंकि वो अपने घर परिवार की रक्षा कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, आप अपने घर परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, रक्षा भी कर रहे हैं, कोई पड़ोसी आपके घर पे मारने आता है तो आप अपने घर की रक्षा करते हैं, लेकिन आप में और जो बॉर्डर पर खड़ा है उसमें बहुत कुछ अंतर है। आप मोह माया में पड़े हुए हैं, आप सिर्फ अपने परिवार तक ही सोचते हैं, लेकिन जो जवान बॉर्डर पर तैनात है वो अपने परिवार के साथ साथ आपकी भी फिक्र करता है, चाहे आप उसके दुश्मन हो या दोस्त हो, अपने हो या पराए हो, कोई भी हो, अगर आप इस देश में हैं तो आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है।
तो इस तरह के भारतीय ज़मानों पर आप सवाल मत खड़ा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सवाल खड़े करने लगते हैं, क्योंकि उस इंसान की वजह से आपका परिवार बचा हुआ है। भारतीय सेना एक दिन हड़ताल कर दे तो पूरे भारत में दूसरे देशों का कब्जा हो जाएगा, ये पावर है, आप गुलाम बन जाएंगे। क्या औकात औकात की बात करते हैं, औकात औकात की क्या बात करते हैं, औकात आपकी कुछ भी नहीं है, सारी औकात हमारे जवानों की है, जिनकी बदौलत आप सांस ले पा रहे हैं, जिनकी बदौलत आप अपने परिवार में खुश हैं। जैसे कि हर कभी न कभी किसी इंसान को, चाहे परिवार में हो या कहीं भी हो, उसे दुख उठाना ही पड़ता है, एक इंसान को, वही हाल हमारे भारतीय जवानों का, वो आपके सुख के लिए अपना सुख त्याग देते हैं और चले जाते हैं मौत के मुंह में। लेकिन फिर आप लोग जब उन्हें रेपिस्ट कहते हैं, आप लोग जब उन पर सवाल खड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी डाउन होता है। इसीलिए आप उनका मनोबल बढ़ाइए, जो हमारी ज़मीनों पर दूसरे देशों ने कब्जा किया है, अत्याचार किया है, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया है, उन लोगों को आज़ाद कराने के लिए भारतीय सेना का सम्मान करना चाहिए, भारतीय सेना का साथ देना चाहिए। लेकिन आप लोग हैं कि भारतीय सेना के मामले में भी राजनीति करने लगते हैं। इसके पहले भी सेना थी। अब कुछ लोग सवाल ये खड़ा करेंगे कि क्या तब सेना नहीं थी जब पीओके पे कब्जा कर लिया गया, क्या तब सेना नहीं थी जब तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया, क्या तब सेना नहीं थी? थी साहब, लेकिन सेना का नेतृत्व गलत हाथ में था। हर एक चीज़ कहीं ना कहीं लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है। आज हर एक नागरिक भारत में है, वो कहीं ना कहीं संविधान से जुड़ा हुआ है। अगर वो गैर संवैधानिक कार्य करता है तो उसे सज़ा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना भी अपने बड़े अधिकारियों से जुड़ी हुई है। जब तक उन्हें ऑर्डर नहीं मिलता तब तक वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और तब नेहरू की सरकार थी जब पीओके पर कब्जा हो गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान आते ही उन्होंने सबसे पहले देश का सोचा। गांव में नाली बिगड़ी है उसके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि देश को हम अगर सुधार लेंगे, अगर हम बाहरी वातावरण अपना सही कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा देश विकास करेगा। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि कोई भी हो, कितनी पावर भी ना हो, कहीं ना कहीं मनोबल टूट ही जाता है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अभी भी इतने बड़े धैर्यवान हैं कि वो धैर्य बनाकर रखे हैं। खुद कहते हैं कि हमें जूते मारो, चप्पल मारो, पुतले हमारे जलाओ, लेकिन आम जनता को बख्श दो, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। और वहीं पर हमारी सेना भी यही कहती है, हमारी सेना कहती है हमें गाली दो, हमें मारो, जो मर्जी वो करो, लेकिन हम अपने मोर्चे पर डटे रहेंगे, क्योंकि आप हमारे परिवार हैं। बॉर्डर पे जाने के बाद सेनानी नहीं सोचता कि हमारा सिर्फ परिवार इस जगह पर है, पर्टिकुलर एक जगह को नहीं कहता है, वो कहता है ये देश ही हमारा परिवार है, और कुछ बिगड़े हुए हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, अपना परिवार समझकर ही वो आप लोग की रक्षा करता है। इसीलिए आप लोग का भी कर्तव्य है कि भारतीय सेना पर टिप्पणी ना करें, और जल्द ही पीओके भारत के कब्जे में आने वाला है। भारतीय सेना ने मूड बना लिया है, हमारे बड़े नेताओं ने मूड बना लिया कि पीओके को हम लेकर रहेंगे, तो ये बड़ी खबर हो सकती है, आज की हिट खबर हो सकती है, क्योंकि पीओके को लेकर हमने जो खुलासे किए हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट की राय आपके सामने रखी है, तो शायद आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।